हेलो फ्रेंड्स, मैं रयर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ F1 टेक सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी नॉलेज भरी बातें करेंगे जीमेल के बारे में। जी हाँ, जीमेल हम लोग अक्सर यूज किया करते हैं और मुझे लगता है कि जीमेल 98% लोग तो ज़रूर जीमेल यूज करते होंगे। जी हाँ, तो जीमेल में हम अपने विचारों को, अपने कामों को, जो भी हमने किया है, या कुछ अटैचमेंट फाइल को सेंड करते हैं और अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो आपके स्टूडेंट हो, तो हर कोई जीमेल को यूज करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मैंने मेल किया है, अगर मैंने उसमें कुछ गलत वर्ड का प्रयोग किया है, या मुझसे उस जीमेल में कुछ गलती हो गई, या हमें याद आ गया कि हाँ, अरे यार, मैंने तो जीमेल में ये चीज़ मेंशन किया ही नहीं, मैंने तो ये एक डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रह गया, इसको तो मैंने अटैच किया ही नहीं, तो हमें लगता था शायद अगर हमारा वो जीमेल का मेल फिर से वापस आ जाता एंड यूजर के पास गए बिना, तो कितना मज़ा आता। रियली में ऐसा हो सकता है? जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और लाइक को भी दबाना होगा। तो जल्दी से दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कर दो, सबसे पहले सब्सक्राइब भी करना, और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट तो ज़रूर करना। तो चलिए जानते हैं ये चीज़ कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल ओपन करेंगे और जीमेल को भी ओपन कर लेंगे। तो मैंने गूगल यहाँ पे ओपन किया और उसके बाद जीमेल। जी हाँ, ये हमारा जीमेल ओपन हो चुका है। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको तो सेटिंग में जाना होगा। जी हाँ, जब आप जीमेल जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। जी हाँ, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये सेटिंग का ऑप्शन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेटिंग है। सेटिंग पे क्लिक करना है और नीचे हमें जाना है सेटिंग पे। जी हाँ, एक और सेटिंग है, इस पर क्लिक कर देना है और इस पेज को ओपन कर लेना है। यहाँ ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आपको ओपन करके एक और सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे अंडो सेंड, जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक आपको टाइम भी दिया हुआ है कि 30 सेकेंड का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये वही ऑप्शन है। जी हाँ, इसी ऑप्शन के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडो सेंड का, तो ये आपको 30 सेकेंड का ही समय देगा। यहाँ पे आपको सेटिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड, और मैक्सिमम आप इसको 30 सेकेंड तक यूज कर सकते हैं। यानी कि जब आपने मेल किया, मेल आपका सेंड हो गया, उस समय से 30 सेकेंड के अंतराल तक आप उस मेल को वापस रिकवर कर सकते हैं, वापस रोल बैक कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसे, अगर आप मेल का यूज कर रहे हैं, 30 सेकेंड तो ज़रूर रखें। और उसके बाद नीचे आपको जाना होगा, नीचे आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको सेव कर लेना है। तो ये सेव चेंज का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको हमें सेव कर लेना है। मैंने तो ऑलरेडी इसको किया हुआ है, 30 सेकेंड तक मेरा बाय डिफ़ॉल्ट था, तो हमें सेव चेंज का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम वापस चलते हैं कंपोज पे। और कंपोज पे जाने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे मेल टाइप करना है, तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर लेते हैं। ये रहा मेल आईडी, सब्जेक्ट में हम यहाँ पे देंगे डेमो, यहाँ पे हम सब्जेक्ट में देंगे DEMO डेमो, टैब में हम यहाँ पे सिंपली हाई हेलो, और उसके बाद हमें यहाँ पे मैसेज को, मेल जो हमारा है, इसको सेंड करना है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो सेंड का ऑप्शन है, यहाँ पे मैसेज सेंड हो चुका है, यहाँ पे अंडो का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे 30 सेकेंड का जो टाइमिंग है, ये आपका शुरू हो चुका है टाइम,
यानी कि आपका टाइमर चल रहा है, आपको इसी 30 सेकंड के अंदर में से अंडो करना है। जी हाँ, आपके पास 30 सेकंड समय है, आपके पास अभी समय है। तो फिलहाल हम इसे अंडो पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अंडोइंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हैं और यहाँ पे हमारा मेल जो है वो अनडूइंग हो गया है। जी हाँ, आप देखिए फिर से कंपोज का ऑप्शन आ गया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और सेंड पे जाके आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो लास्ट मेल सेंड किया है उसका डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरा जो लास्ट मेल है 4 मई 23 मई का है, 1 23 मई, यहाँ पे 4 मई, हाँ दोनों डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये जीमेल का ऑप्शन पसंद है तो आप सेटिंग पे जाके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पे जो नए व्यूवर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइब बटन को लाल से काला कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।